मैंने बोला था थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और लेवल का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम ग्राफ से सोल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हम ग्राफ से सोल्व करते हैं। किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे सर, साइन का बनाएंगे या कोस का ग्राफ बनाएंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो बाहर है हमेशा इसका ग्राफ बनेगा और ये बाउंड होना चाहिए, ये बाउंडेड होना चाहिए। अगर सर बाउंडेड ना हो तो उसके अलावा हम और देखेंगे कि बाउंडेड ना हो, अनबाउंडेड हो तो क्या करना चाहिए। अब सिंपली बात करते हैं हम कि सर ग्राफ किस तरीके से बनाना है। हमें ग्राफ कोई ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है, आपको कोस का ग्राफ आना चाहिए आपको, जो हमारी बातें हो गई हैं। ध्यान से देखिएगा, कोस का ग्राफ क्या है, नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूं मैं। कोस का ग्राफ ऐसा है, हाँ जी बताइएगा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका पाई बाई टू है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है, ये आपका -π/2 है और ये आपका -3π/2 है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, हमने कोस अक्ष का ग्राफ बनाया है, कोस अक्ष का ग्राफ बनाया है। हाँ जी, अंदर वाले का ग्राफ नहीं बनाया है हमने, बाहर वाले का ग्राफ बनाया है। जो कोस अक्ष है उसका ग्राफ हमने बनाया है भाई। इसमें क्या करें, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ग्राफ से ही सोल्व करें, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ग्राफ से सोल्व करें। और ग्राफ मैंने आपको करवा दिया है, छोटे छोटे देखिएगा, है ना। अब आप को ये पता होना चाहिए कि साइन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो अब बात करते हैं साइन की। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। हाँ जी, अब सुनिएगा ध्यान से, सारी बातों को हटा के एक बात लिखना चाह रहा हूं कि जब हमारे पास आ जाए कि कोस साइन, साइन की मैक्सिमम वैल्यू दे, साइन मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकता है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकता है -1। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस ग्राफ में वैल्यू कहाँ है। अच्छा, पाई बाई टू कितनी पे वैल्यू होती है, आप बोलिएगा भाई। पाई बाई टू 1 पॉइंट के आसपास ही होगी, तो इसको हम ले लेते हैं 1.5 से हम ले लें, क्योंकि पाई हमारे 3.14 के अप्रोक्सीमेट होता है, तो इसको हमने ले लिया है 1.57। और ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिएगा, अप्रोक्सीमेट 4.5 के अप्रोक्सीमेट लेते हैं, तो इधर वाला -1.57 और इधर माइनस का 4.5। यहां तक अगर आपके कोई दिक्कत नहीं है तो आप बता सकते हो। अच्छा, ये ध्यान से सुनिएगा, ये कोस 1 और ये कोस -1। अच्छा, साइन वाला 1 कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, साइन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1 तक, 1 कहीं ना कहीं यही है। अरे, इससे पहले ही होगा 1, ऐसा ना करो। तो ये 1.57 है, यहां देख लीजिएगा, यहां 1 है, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका -1, यहां -1 है, तो ये हो गया आपका -1। अब बात करते हैं रेंज के। रेंज में आपको अपर और लोअर का पता होना चाहिए कि ग्राफ अब ऊपर से ऊपर कहाँ जाएगा। तो आपको पता है कि ये आप इसकी टॉप वैल्यू है, ये इसकी टॉप है, और टॉप क्या है इसका 1, है ना। तो ये कोस वाला इतना ही ग्राफ लेगा भाई,
इतना ही। तो टॉप वैल्यू तो क्या हो गई है इसकी, 1, और जो बॉटम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी इसकी, ये वाली। ये कितनी हो जाएगी, कोस 1। अच्छा इधर वाला ये कोस माइनस 1 होगा, कोस माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, कोस माइनस 1 इक्वल टू कोस 1 ही हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे की जा रही है, अगर आपके यहाँ तक कोई समस्या है तो वो बताइएगा, हम फिर से कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है वो एक बार लिखिएगा कि सर वापस करवाइए, रिपीट लिख दीजिएगा, भाई मैं वापस करवा दूंगा। चलो इसको और सिंपल तरीके से देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकदम जीरो लेवल से इसको वापस देखेंगे। धुंधली धुंधली याददाश्त आपके रही होगी जो पहले हमने अभी बात की है। हमेशा ग्राफ बाहर वाले का बनाइए, इसकी रेंज देखिए अंदर वाले की, है ना। तो अंदर वाला कहां से कहां तक होता है, साइन अक्स, ये होता है -1 से 1 के बीच में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोस में या तो ये ज्यादा से ज्यादा दे सकता है कोस 1, या कम से कम कितना दे सकता है, कोस -1, है ना। तो पहले ग्राफ बनाने की बात करते हैं, तो ग्राफ बना लेंगे भाई हम, ये रहा कोस का ग्राफ। हाँ जी, और ये आपका होता है π/2, ये होता है 3π/2, ये होता है आपका -π/2, ये हो गया आपका -3π/2। और यहाँ वैल्यू की बात करते हैं तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1.57 के अप्रोक्सीमेट लिया है, ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा आपका -1.57, और ये हो जाएगा आपका -4.5। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा बात को, कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कोस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सर 1, ये रही, ये ग्राफ में 1 है। साइन लेगा कहां से कहां तक, साइन लेगा ज्यादा से ज्यादा 1, 1 कहीं ना कहीं यहां होगा, ये देख लो 1 है और ये देख लो -1 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा ले लेगा यहां तक, और कम से कम ये लेगा यहां तक, बोलिएगा। तो ये ग्राफ जितना इतना ही काम आएगा हमारे, इतना ही ग्राफ इतना ही काम आएगा जितना मैं इसको डार्क कर रहा हूं। हाँ, आगे वाला ग्राफ हमारे कोई काम नहीं आने वाला है। तो जो ग्राफ हमें काम आ रहा है उस ग्राफ को हम देखेंगे कि भाई ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, और उसका ऊपर वाला चीज क्या है, नीचे वाली क्या है। ऊपर वाली हमें पता है कि 1 है, नीचे वाली ये 1 आएगा तो कोस 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू कोस -1, और कोस -1 भी आपकी कोस 1 ही होती है। हाँ, तो ये हो गया आपका कोस 1। रेंज की बात करते हैं तो वो हो जाएगी आपकी, हाँ, लोअर हो जाएगी कोस 1 और अपर हो जाएगी 1। लोअर हो जाएगी आपकी कोस 1 और अपर आपकी हो जाएगी 1। ये आपकी टॉप है, ये आपकी है लोअर।